अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग साहब, देखने वालों को क्या हाल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते ही ये ड्यूटी होती है, आके दूध निकालना होता है। अभी मैं और छोटा भाई आए हुए हैं यहाँ पे दूध निकालने के लिए। काफ़ी अर्से के बाद वीडियो बना रहा हूँ, जब से टूर से वापस आया हूँ। तो पहली वीडियो है, 10 दिन का हमारा टूर था और टूर से वापस आए हुए तकरीबन 1 माह हो गया। तो पूरा 1 माह जो है मैं टूर वाली वीडियो एडिट करता रहा हूँ और वही अपलोड की हैं, और कोई वीडियो नहीं बनाई। टूर के बाद आज जो है वो पहली वीडियो है। इस वीडियो में हल्का फुल्का टूर का आपको एक्सपीरियंस बताएंगे, और उसके अलावा एक दोस्त की शादी की दावत आई हुई है, आज उसकी बारात है तो उसकी बारात में भी जाना है, वो हल्की फुल्की वीडियो बनाएंगे। तो आज के व्लॉग में हमारे साथ रहें, वीडियो देखें, इंजॉय करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भैंस का दूध मैं ही निकालता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है और आप भैंस के नीचे बैठ के डायरेक्ट दूध पी भी सकते हैं, ये बड़ा मज़ेदार होता है। गांव में सनराइज का खूबसूरत व्यू, हल्की हल्की फोग है, सूरज निकल रहा है सामने। मौसम चेंज हो रहा है, आस्ता आस्ता सर्दी आ रही है, दिन काफ़ी छोटे हो रहे हैं। पहले हमारे पास जानवर कम थे, सिर्फ 4 थे, अभी हमने बढ़ाए हैं, 8-9 किए हैं, तो इस वजह से मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा रहती है। छोटा दिन है, बड़ी जल्दी गुजर जाता है इन्हीं कामों में ही। तो अभी फ़िलहाल आज टाइम निकाल के बारात पर भी जाना है, थोड़ी देर तक बारात की तैयारी करेंगे, तो बारात का भी हल्का फुल्का आपको व्यू दिखाएँगे। अभी तैयारी हो गई है, निकले जा रहे हैं बारात के लिए, दोस्त अभी आ गए गाड़ी ले कर। ये रही सामने गाड़ी, थोड़ा लेट हो गया हम। सरदारन भी ले ही आए हो तो बगैर जो हाथ करवाओ हो माशाल्लाह। आओ जी मियां जी सुनाओ, ठीक ठाक जी, ठीक खुरी है, ठीक है, मेहरबानी सर, सलाम दुआ दे सारे सलाम दुआ दे। चलो जी सर, मैं आख्या बंदा चुप करके ही निकलिया जांदा छापन छापन जेड़ा तू भेड़ा आसन कोई पैसे दा तो नहीं चला। मैं का छापर नाल ले ने, तू किदे करने शादी तो चले हो ना? अच्छा चुनन वास्ते ते नहीं पता दारिया बंदे इतना ओदे कोल टाइम नहीं, स्कूटर धरून वाले गड्डी च बैठे मेनू भाई साहब बारात अभी निकलने लगी है, दूल्हे राजा जो है वो मस्जिद में गए हुए हैं नवाफल अदा करने के लिए। हाँ जी तैयारी हो गई है सर? हाँ तैयारी है, इंशाल्लाह हम जाएंगे। शाबाश, स्प्राइट दही यार, एक दूल्हे साहब के साथ जी तस्वीर बनवाने लगे। फोटो भेजता पे अपने काम ही भाई ने जी, ये कामरान भाई हैं इनकी आज शादी वाले, कामरान भाई हैं खाना पास जी, मैं दूल्हे दी निशानी यार नजर आ रही है। ये अपना सुल्तान साहब इलाके की शख्सियत सरदार बोतल नौश फरमा रहे हैं, कुकू कोला खुरम जंद्रान जंद्रान बादशाह यूट्यूब ब्लॉग के मालिक। सर दुआ मांग लियो उस्मान भाई, सर दुआ। दूरों दूरों वेखण आए चौका, वेच बयान लुटियां
फंक्शन शादी वाला खत्म हो गया और अभी हम आ गए हैं घर। आज बारात थी और कल वलीमा, माशाल्लाह आज वाला फंक्शन बड़ा ही बेहतरीन रहा है। अपने वीडियो में देखा होगा दिन तकरीबन खत्म होने वाला है और आज वाली वीडियो में आप लोगों के साथ हल्का फुल्का जो अपने टूर का एक्सपीरियंस शेयर करना, जो हम शुमाली इलाका जात में काट के आए हैं। टूर पर जाने से पहले मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के अपने इसी चैनल पर अपलोड की थी, जिसमें मैंने शुमाली इलाका जात का एक नक्शा दिखाया था। तो उस नक्शे पर लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो अपना प्लान घूमने के लिए तकरीबन एक साल पहले बनाते हैं और जो पाकिस्तानी हैं वो तकरीबन एक दिन या एक घंटा पहले, उस पर लिखा हुआ था ऐसे, एक घंटा पहले बनाते हैं अपना प्रोग्राम और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। हमारा भी ऐसे ही प्लान बना था, तकरीबन अचानक ही हमारा प्लान बना है और तकरीबन हम 15 दिन का सोच के गए थे और तकरीबन 7-8 दिन में ही हमारी एंड हो गई थी। हमने पॉइंट काफ़ी ज़्यादा जहन में रखे हुए थे घूमने के लिए, जैसे फेरी मेडोज़ है, देवसाई का मैदान है, हंजा है, खुंजराब पास है, हम ये सब कुछ जहन में रख के गए थे, नहीं जी हम घूम के आ जाएंगे। लेकिन इतने ज़्यादा पॉइंट बंदा जहन में रख के जाए तो बिल्कुल नहीं घूम पाता। हमने यही कुछ सीखा है तकरीबन टूर से। पिछले साल भी हम गए थे कलाम की तरफ और इस साल हम गए हैं फेरी मेडोज़ की तरफ और देवसाई मैदान की तरफ, फिर हंजा से हम वापस आ गए थे। उसके अलावा अगर चलने वाली गाड़ी हो तो मैरान गाड़ी भी वहाँ तक जा सकती है। हम GLI पे हंजा तक गए हैं, माशाल्लाह बड़े ही बेहतरीन रोड थे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। हमने टूरिस्ट जो है वो वहाँ पर आल्टो और मैरान गाड़ियों पर घूमते हुए देखे हैं। अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है या कहीं झील वगैरह पर जाना है, जैसे हम फेरी मेडोज़ गए थे या झील सैफल मलूक गए थे, तो उसके लिए हमें अलग से जो है वो जीप लेना पड़ी थी। बाकी आम गाड़ी जो है वो खुंजराब पास तक भी जा सकती है, बड़े माशाल्लाह बेहतरीन रोड है। ऑफ रोडिंग के लिए जो है वो जीप लेनी पड़ती है या जो टूरिस्ट ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं वो अपनी जीपें यहाँ से साथ लेके जाते हैं। हम काफ़ी पॉइंट जेन में रख के गए हुए थे, इस वजह से ज़्यादा थक भी गए थे और इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया। जब भी विजिट पे जाएं एक पॉइंट जेन में होना चाहिए, जैसे फेरी मेडोज़ पर अगर आप जाते हैं तो 5 से 6 दिन वहाँ पर लग जाते हैं, यहाँ से तकरीबन 2 दिन तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लग जाते हैं। और 2 दिन अगर बंदा वहाँ पर रहे, फेरी मेडोज़ देखे, बेस कैंप सॉरी ब्याल कैंप है वहाँ पर वो देखे, व्यू पॉइंट है, उसके आगे बेस कैंप है, नांगा पर्वत के बिल्कुल साथ जाके बंदा वहाँ पर इंजॉय करे देखे, तकरीबन 6 से 7 दिन अगर सही तरह घूम के आओ तो फेरी मेडोज़ के लग जाते हैं। 5 से 6 दिन अगर देवसाई जाओ तो वहाँ पे लग जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार पॉइंट है। अगर आप हंजा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है। हमने एक ही टूर में तकरीबन हमें लगे हैं 7 से 8 दिन और हमने फेरी मेडोज़ भी देखे, देवसाई का मैदान भी देखे, हंजा, ताबा झील, सैफुल मलूक झील, यहाँ से नारान से जब गए हमने सैफुल मलूक झील देख ली थी। तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। 15 दिन का हमारा प्लान था लेकिन हम तकरीबन 8 दिन में ही थक गए थे और हम तकरीबन अताबाद झील से निकले हैं दिन को 12:30 बजे और अगले दिन हम 7 बजे इस्लामाबाद हमने आके ब्रेक लगाई है। रस्ते में तकरीबन हमने सिर्फ 1-2 दफ़ा खाना ही खाया। तो यही थोड़ा बहुत जो है टूर से सीखा है, का दिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लगे हैं, थके भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो इंशाल्लाह 1-2 पॉइंट का सिर्फ जहन में रख के जाएंगे। तो बस यही एक्सपीरियंस था अपने टूर का, आज का यही व्लॉग था। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। जिसने यहाँ तक ये वीडियो देखी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।